भाई साहब मैंने ना मैंने बहुत जोर से इसके कान में हॉर्न मारा था, ये हटा ही नहीं गाड़ी के सामने से। वो तो मैं हेडफोन में गाने सुन रहा था। हेडफोन तेरे पास कहाँ से आए? हेडफोन मैंने भी नहीं देखे। हेडफोन नहीं देखे? तूने अंधेरी मार्केट जा, अलग अलग तरह के मिलते हैं हेडफोन, तो पागल आदमी का हेडफोन। वैसे हेडफोन मैंने बड़े देखे अंधेरी मार्केट वाले, लेकिन इसके कान में उस वक्त कोई हेडफोन नहीं था। अच्छा, जो छोटे से हेडफोन मैंने नहीं लगाए वो तुम्हें नजर आ गए, इतना बड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आया? एक मिनट, बड़ा आदमी कौन बे? बड़ा आदमी कब से हो गया तू? खरबूजा मारगा ना तेरा तरबूज जैसा मुंह तोड़ देना मैं। कप्पू शर्मा, जब कोई इंसान लड़ने के लिए आता है तो उसको लड़ने दिया करो, बीच में टोका टोकी मत किया करो। तुम इधर बताओ, इधर इधर। और तुमने गाड़ी कैसे चढ़ाई मुझे पे, ये बताओ पहले। यार मैंने ब्रेक मारी तो थी। अच्छा, एक गाड़ी मारी दूसरी ब्रेक मारी, कप्पू दो दो केस। कप्पू कौन से दो दो केस यार? कोई केस वेस नहीं, गलती तुम्हारी है यार। इसने पता है इसने क्या किया? इसने ऐसे लेफ्ट से हाथ दिया और राइट में जाके साइकिल मोड़ दी इसने। अच्छा, जो मैंने लेफ्ट में हाथ दिया वो तुमने देख लिया, जो बाद में मैंने कैंसिल किया वो नजर नहीं आया? कैंसिल किया था? हाँ। फिर मैंने भी ऐसे ऐसे कैंसिल किया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं दिखा? अच्छा, बाद में मैंने भी ऐसे किया था, मैं इधर को ही जाऊंगा, वो तुम्हें नजर नहीं आया? ये गाड़ी लेके लोगों को शर्म नहीं आती भाई? सड़क पर गंदे गंदे इशारे करते तुम लोग। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तेरे को शर्म नहीं आती? वो बच्चों जैसे कर रहा है। कौन बच्चा करके रोता है? ये कैसे रो रहा है तू? जरा सी खरोंच आई तेरे को? प्लान है, प्लान समझा करो। वो अमीर आदमी है, मिलजुल कर लूटेंगे। अच्छा, लूट रहा है? आधे तुम्हारे आधे मेरे। मौके का फायदा? यस, जैसे अर्जुनाई ने सिद्धू जी का वैसे। हे कुल देवी, हमें आशीर्वाद दो ताकि हम अपने काम में कामयाब हो सके। हाय मेरा दोस्त, अब किसको मुंह दिखाएगा? यार मैं जुआ खेलता हुआ पकड़ा थोड़ी गया हूँ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। हाय मेरी दोस्त की शक्ल ही देखो, मुंह तिरछा कर दिया उसका। हाय उसका मुंह भी घुटने जैसा कर दिया। हाय बेड़ा ही कर दिया उसका। पैसे निकालो। कप्पू शर्मा, मैं बच तो जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। ऊपर वाले को याद करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्की सी चोट है ये। हल्की सी चोट आई तो एक बार और गाड़ी चढ़ा दो, पैसे हम पूरे लेंगे, हमें नहीं पता। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी गलती थी, ये रॉन्ग साइड पे था। कोई भी साइड राइट या रॉन्ग नहीं होती साहब, ऊपर वाले ने एक ही साइड बनाई थी। तुम जैसे लोगों ने पहले धर्म के नाम पे इंसानों को बांटा, अब इंसान के नाम पे सड़क बांट रहा है। बता बता, तू पैसे निकाल। समझ नहीं रहा बात, ये गलत रास्ते पे था इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इसका मतलब फिल्म संजू में संजय दत्त गलत रास्ते पे था तो उस पर गाड़ी चढ़ा लोगे तुम? बताओ चुप क्यों, कैसे निकाल? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, इसको ना हुआ कुछ नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है ये। मैं बचपन से जानता हूँ उसको, एक्टिंग कर रहा है वो। जो चीज उसने आज तक नहीं की आज कैसे करेगा? मैं नेचुरल करता हूँ, बिल्कुल जैसे नसीर साहब करते हैं वैसे करता हूँ, तो इसलिए नहीं पता चलता। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को भी लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी बात सुन यार, तुम दो दोस्तों के बीच में लड़ाई करा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर मेरे को चोटें आई हुई हैं और तुम्हें अपने सूझ रहा है? कहाँ चोटें आई हुई हैं? गंभीर चोटें आई हुई मुझे। कहाँ आई हुई है गंभीर चोटें? आए बाबू जी, आए मेरे पेट में गड्ढा कर दिया। पेट में गड्ढा कर दिया? ये गड्ढा नहीं है, इसको नाभि कहते हैं। नाभी नाभी भिन्ना नाभी भिन्ना, तू पराए मर्दों की नाभियां देखता तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे बाप भाई की नाभी नहीं है? देख कितने जोर से गाड़ी मारी, उसकी पैंट छोटी हो गई। पैसे निकाल। नहीं मैं वैसे नहीं देख रहा, मैं चेक कर रहा था ये गड्ढा, ये इसकी तो नाभी, ये तो सबके होता है ना, मेरे भी है आपके भी है। लेकिन इसके नहीं था। इन्होंने मेहनत करके ये गड्ढा भर लिया था, तूने फिर गाड़ी मार के उसका कर दिया।
मेहनत मजदूरी की उसने, सारा खराब कर दिया काम उसका। मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, ना भी नहीं भरते। हमारी इनकम उतनी थी इसलिए सिर्फ ना भी भर सकते थे हम। हाँ अर्चना जी देख लो, अमीर आदमी गोडाउन भर लेते हैं कोई कुछ नहीं बोलता, गरीब आदमी ना भी भरे लोग गाड़ियां चढ़ा देते हैं। मतलब मैं ये मैं कसम से भगवान कसम, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ या किस तरह की बातें हो रही है, क्या हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कपिल शर्मा शो नहीं देखा कभी? नहीं, हम वीकेंड पे बाहर घूमने जाते हैं ना। ओए इधर, मैं मेहनत करता मर जाता हूँ। मैं हम मेहनत करते मर जाते हैं, हम मेहनत करते इधर मर जाते हैं और शो बनाते हैं, तुम वीकेंड पे बाहर चले जाते हो। इसके माने हम पपीता मारू उसका मुंह में? नहीं नहीं, मैं पहले शो देख के आ जाता हूँ फिर आता हूँ। कैसे कैसे, पहले बनने तो दे, कच्चा ही देख लेगा तू। इधर खड़े रहो, पपीता रख दो इंस्टॉलमेंट पे है। हाँ जल्दी भेज के, जो गाड़ी चढ़ाई हर जाना ला, नहीं तो मैं मिलिट्री बुला लूंगा। मिलिट्री? हाँ वैसे पुलिस बुलाते हैं जनरली, पुलिस से इसकी बनती नहीं, इसको दो थप्पड़ मार के अंदर कर देते वो। अरे बेचारे को लवारिस कर दिया उसको। लवारिस कहाँ से कर दिया, मैंने इस पे गाड़ी चढ़ाई, इसके बाप पे थोड़ी चढ़ाई। हाँ तो इसके 11 बच्चे थे बेचारे, इकलौता बाप था उनका, है बेचारे लवारिस हो गए वो। 11 बच्चे? हाँ लो लो मेरे, आप 11 बोल रहे हो, ये एक मानने को तैयार नहीं है। ओ माय गॉड, इसकी यादाश्त चली गई। ओ हो, यादाश्त चली गई, बैठ जाओ बैठ जाओ, यादाश्त चली गई। ऐसे कैसे यादाश्त चली गई, मैंने तो घुटने पे गाड़ी चढ़ाई इसके। हाँ तो जहां जिसका दिमाग है उधर से यादाश्त जाएगी उसकी। हाय मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ा के उसकी वायरिंग खराब कर दी। भाई साहब देखो एक मिनट, ऐसे क्या अब जो हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता। हाँ। क्यों नहीं बदला जा सकता है, इधर बड़े बड़े मंत्री बदल गए, क्यों नहीं बदला जा सकता है? बदला नहीं जा सकता, अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। ऐसा करते हैं ना, कुछ ले दे के मामला सेटल कर लेते हैं। कुछ ले दे के मामला सेटल कर ले, इतने गिरे हुए समझा में। हाँ क्या बात है, क्या पारखी नजर है आपकी, हम गिरे हुए हैं। गिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। 5 लाख रुपया लगेगा आपका। पांच किस बात का? अबे इतनी गंभीर चोट है इसको। 5 लाख नहीं, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा इसका। तू मजाक कर रहा है? फटाफट से तुम मिलिट्री को बुलाओ, उनको बोलो अपनी पनडुब्बी लेकर आ जाए। ठीक है, ये पनडुब्बी में कौन सी मिलिट्री आ रही है? बोला ना उसका दिमाग खराब हो गया, वहां पे चोट लगी, याद आ चलेगी, उसको नहीं पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो मिलिट्री? नहीं नहीं मिलिट्री नहीं, बम लेके। भाई साहब रुको, सुनो सुनो, इतनी बात मत बढ़ाओ ना, मैं दे रहा हूँ, मैं कैश नहीं, मैं चेक दे देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ। मैं हाय हाय हाय। अरे कप्पू मेरे को पता चला कि चंदू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं वो बच ना गया हो। ओ सपना ये तो ठीक है, अभी तो इसकी याददाश्त गई हुई थी। हाँ तो याददाश्त में था भी क्या, 4 जुराबे और 1 कच्छा। इसको कौन सा न्यूक्लियर का कोड मालूम था? याददाश्त। ओए एक मिनट मेरी बात सुनो सपना, जुराबे चाहे 4 थे लेकिन अंडरवेयर मेरे पास 2 थे। इसको काउंटिंग याद है पूरी, इसको कलर भी याद होगा, इसको तो सब याद है। तो कमर से नीचे नीचे वाला याद है ना, कमर से ऊपर वाली याद है चली गई। भाई साहब ऐसा है, इसकी जहां की भी गई है ना याददाश्त, वो लानी तो पड़ेगी वापस। इसके बेचारे के 11 बच्चे हैं, उनको संभालना है इसने। क्या बकवास कर रहे हैं यार, उसकी तो शादी भी नहीं हुई तो 11 बच्चे का चाय पत्ती के कूपन में निकले क्या? क्या बकवास कर रहे ले, कि शादी नहीं हुई इसकी? नहीं क्यों, क्यों नहीं हुई है, कौन कहता नहीं, इसी के साथ तो हुई है मेरे। ये क्या, इसी के साथ हुई है? कमाल है, मैं इसकी बीवी और मेरे को मालूम तक नहीं है। मैं तेरी बीवी? हाँ जी ये मेरी बीवी है, पहले बॉक्सर थी ये। बॉक्सर? अरे पति को चोट लगी, पति की याद हॉस्पिटल लगी, 2 लाख लगेगा। 2 लाख? मैं समझ रहा हूँ आप सब मिलके ना यहाँ पे मुझे पागल बना रहे हो, मुझे पहले ही शक हो रहा है, ये तो मुझे दोनों किसी एंगल से पति पत्नी लग नहीं रहे, ये है नहीं पति पत्नी, ये झूठे है।
ये सपना चुपचाप हमारे नाटक में शामिल हो जा, तेरे को पैसे मिलेंगे पत्नी बनके। अच्छा तो पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा, चुप रह। मैं तेरी पत्नी है समझा, तू मेरा पति है, मैं तेरी पत्नी है। मेरे सुहाग की रात खराब कर दी तूने, अब ये सोएगा कैसे? अभी ना दो मिनट पहले इसको कुछ याद नहीं था कि ये इसका पति है, अभी इसके पत्नी वाले सारे इमोशन इकट्ठे बाहर आ गए। गरीब औरत का ना बहुत जिम्मेदारियां होती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पति भूल रही थी, कल तो चाबी रख के भूल गई थी। हैं? ये मतलब ये पति है, चाबी का कम, पति और चाबी का क्या कंपैरिजन? चाबी खोल के घर के अंदर जा सकते हैं, पति खोल के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं ना, तो फिर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई साहब आप? लगता है मेरी भी याददाश्त चली गई। 3.75 लाख लगेंगे, 3.75 लगेंगे।